भारतीय सेना के जाबाज अगर दोस्तों की मदद के लिए सात समंदर पार जान की बाजी लगा सकते हैं तो सोचिए कि दुश्मनों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। साल 1995 में भारतीय सेना के कमांडो ने कुछ ऐसा ही किया जिसकी भनक तब किसी को नहीं थी। म्यांमार में हुए उसी अनसुने स्पेशल कमांडो ऑपरेशन की कहानी देखिए टेली सीरीज का एपिसोड स्वर्ण पक्षी मार्वल्स इन म्यांमार। चार जून 2015 लारोंग चंदेल मणिपुर। भारतीय सेना के जवानों का काफिला उस दिन सुबह म्यांमार बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। सेना के 3-टन ट्रकों में सवार ये जवान डोगरा रेजिमेंट की 6th बटालियन के थे। उनकी गाड़ियां अभी म्यांमार बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर दूर थी कि तभी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का धमाका हुआ। पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। सेना के जवान अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन पर आरपीजी से गोले दागे जाने लगे। साफ था कि ये हमला घात लगाकर किया गया था जिसमें डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए। कुछ ही घंटों बाद नागालैंड के आतंकी संगठन ने दावा किया कि ये हमला उसी की करतूत थी। 9 जून 2015 सेना मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर आतंकी संगठनों के 2 ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था पैरा स्पेशल फोर्सेस की 21वीं बटालियन के कमांडो ने जिन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर से म्यांमार बॉर्डर के नजदीक उतारा गया। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो वहां से 2 समूहों में आगे बढ़े। इंटेलिजेंस इनपुट बेहद सटीक था इसलिए 50 किलोमीटर अंदर म्यांमार के घने जंगलों में उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले 40 मिनट तक आतंकवादियों के ठिकानों पर पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो कहर बरपाते रहे। आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तहस नहस कर दिए गए। जो भी आतंकी सामने आया वो मारा गया। उन आतंकवादियों को इस सर्जिकल स्ट्राइक में चुन चुन कर खत्म कर दिया गया जिन्होंने मणिपुर में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। 1 अप्रैल 1995 बुंगतलांग मिजोरम। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के ट्राई जंक्शन पर तैनात असम राइफल्स के जवानों को खबर मिली कि पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों की हलचल तेज हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट पहले से थी कि नागालैंड के आतंकी संगठन एनएससीएन के लगभग 200 आतंकवादी म्यांमार के जंगलों में छिपे हैं। वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके से हथियारों की तस्करी करके किसी बड़े हमले की फिराक में है। लेकिन लोकल इंटेलिजेंस की मदद से जल्द ही सेना को पक्की खबर मिली कि म्यांमार में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी अल्फा के आतंकी हैं जिन्हें कुछ और संगठनों से मदद मिल रही है। मई 1995 के पहले हफ्ते में भारत ने म्यांमार की नेता ऑंग सान सू ची को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद म्यांमार के सैनिकों का रवैया बदल गया। उन्होंने भारत के ऑपरेशन गोल्डन बर्ड को सहयोग देना बंद कर दिया। भारतीय सैनिकों को अब अपने दम पर आतंकवादियों से निपटना था। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की और 10 मई से 21 मई 1995 के बीच 1 दर्जन से ज्यादा बार क्रॉस बॉर्डर रेड करके उल्फा के आतंकियों की कमर तोड़ दी। लगभग 6 हफ्ते तक चले ऑपरेशन गोल्डन बर्ड की उस समय मीडिया में कोई चर्चा नहीं थी। इस अभियान को खत्म करने का ऐलान हुआ तब भारत और पूरी दुनिया को मालूम हुआ कि भारतीय सैनिकों ने म्यांमार में घुसकर उल्फा के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए गए और उनके हथियारों का जखीरा भी जब्त कर लिया गया जो उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मुहैया कराया था।